तो जब देखें, जब यह हम आगे हमारा पहुंचता है उत्सर्जन की तरफ, तो उत्सर्जन किसे हम कहते हैं? उत्सर्जन में एक प्रकार का पदार्थ है अर्थात जिसे रुधिर कहते हैं, वह रुधिर हमारी यूरिक थैली और अग्नाशय की थैली में अंतिम की तरफ लगा होता है, जिसमें 7 घंटे जब क्रॉस करते हैं, 8 घंटे पहुंचते हैं, तो उसमें एक प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न होती है। जैसे में भोजन को सामने देख लेने पर जीभा पर लार फिरने लगती है, उसी तरह आपका अंतिम छोर की सीढ़ी है, जब भोजन वहां पहुंच जाता है तो उसमें एक प्रकार की प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हमें प्रेशर आता है और हम उत्सर्जित होते हैं उस समय, अर्थात स्वांगी हम तैयार हो जाते हैं। 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, यानी 7.5 घंटे, 8 घंटे से पहले ही हमें एक प्रकार की उत्सर्जन क्रिया प्रतीत होती है, जो हम अवशिष्ट पदार्थ को त्यागने के लिए रेडी होते हैं। तो ऐसी अवस्था में यहाँ हमारा अम्ल पूर्ण रूप से अपशिष्ट बनकर उस थैले में भेज दिया जाता है, जैसे यूरिया के थैले में यूरिया भेज दिया जाता है और मल की थैली में मल को भेज दिया जाता है। इसलिए उत्सर्जन और स्वांगीकरण क्रिया वही पूर्ण होती है। स्वांगीकरण क्रिया किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव शरीर में होने वाले एक प्रकार का अनुभव अर्थात एक प्रकार की उत्सर्जन क्रिया अर्थात प्रेरक क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। स्वांगीकरण अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक प्रकार की क्रिया हमारे मानव शरीर में संचालित होने लगती है, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये रही आपकी परिभाषाएं। बहिक्षेपण लास्ट, बहिक्षेपण में जब 8 घंटे पूरे हो जाते हैं तो यह बहिक्षेपण के लिए प्रेषित होकर रेडी हो जाते हैं। वैसी स्थिति में हम रोक नहीं पाते हैं और वह समय भी हमारे पास आ जाती है जिसे बहिक्षेपण के लिए हम दौड़ पड़ते हैं अर्थात शौचालय की तरफ भागते हैं। उसी समय हम अपनी प्रक्रियाओं को अपशिष्ट हमारे शरीर में आए हुए अपशिष्ट पदार्थों को, निगले हुए अपशिष्ट पदार्थों को, पोषण करने के बाद बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को हर तरह से हर अंगों से अवशोषित करके अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए रेडी होते हैं। तो उसी समय हम बहिक्षेपण क्रिया कहते हैं, जिसे हम बहिक्षेपण क्रिया कहते हैं। इस तरह से यह क्रियाएं जो है संचालित होती हैं। अगला है, हम पढ़ेंगे मानव वमन। एनसीईआरटी बुक में यह दिया गया है मानव वमन। मानव यौवन में आपका यही स्टेप आता है श्वसन का। श्वसन में मानव वमन में देखा गया एक हमारे शरीर में एक मुट्ठी जैसी संरचना का एक आकार होता है, जिसे हम मानव मन के नाम से जानते हैं, अर्थात उसका नाम है हृदय। तो हृदय का स्टेप जो है हम अगले टर्न में स्टेप पर बताएंगे कि वह वमन क्या है और उस वमन में कौन कौन से तंत्र हैं और कौन कौन सी सिराएं होती हैं, कौन सी धमनियां होती हैं, दायां निलय बायां निलय क्या होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो पर। इस तरह से प्रत्येक वीडियो को देखते रहें और साथ साथ जो है अपने नोटबुक को भी तैयार करते रहें। ये आपका एनसीईआरटी बुक के अनुसार तैयारियां होती रहें ताकि 2021 की परीक्षा में बैठने के लिए रेडी हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट कीजिए तथा साथ साथ हेल्प हेल्प के लिए व्हाट्सएप नंबर 7388514 3 पर कांटेक्ट कीजिए। सर धन्यवाद।
अब अगले स्टेप पर मिलेंगे।